दोस्तों, क्या आप भी स्किन और हेयर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको भी उनके रिजल्ट के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि भाई क्या मेडिसिन के रिजल्ट होंगे, या आपने पहले कभी स्किन का कोई ट्रीटमेंट लिया और उसके आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं डॉक्टर ललित कसाना अपनी इस वीडियो में बात करूंगा आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, क्विक रिजल्ट वाला ट्रेंड, क्या वो सही है या नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल हर किसी को हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, चाहे वो पैसा है, चाहे वो ऐश्वर्य है, चाहे वो सक्सेस है या फिर हमारी स्किन और हेयर के रिजल्ट हैं, बट एक शॉर्टकट का जो रास्ता है, चाहे वो हमारी लाइफ में हो, चाहे वो ट्रीटमेंट में हो, हमेशा आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो बात लाइफस्टाइल और अपने लाइफ की मोरल्स की बात मैं आज नहीं करूंगा, उसके लिए कोई बहुत अच्छा सा मोटिवेशनल स्पीकर आप देख सकते हैं, लेकिन स्किन की बात मैं करूंगा क्योंकि वो बात आपको कोई और नहीं बता सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, भाई ट्रेंड चल रहा है, हर किसी को चाहिए कि अगर स्किन लाइटनिंग चाहिए तो वो आपको चाहिए कि भाई बहुत जल्दी हमें स्किन लाइटनिंग चाहिए, हेयर फॉलिंग अगर आपको रोकनी है तो आपको चाहिए कि आपने मेडिसिन लिया, 15 दिन में बाल खत्म होके बाल आपके ग्रो होने लगे, झाइयां हो रही हैं, खासकर झाइयों पे आपको रिजल्ट चाहिए कि भाई पिगमेंटेशन या झाइयां हैं, तो वो 4 दिन मेडिसिन लेके आपको लगे कि भाई मेरी झाइयां जो है खत्म हो रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। सही तरीके से अगर आप मेडिसिन लेना चाह रहे हैं, अगर सही तरीके से आप ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, दोस्तों, मैंने अपना एक ट्रीटमेंट करने का स्टाइल जो है अपना, मेरा फिक्स है, है ना। जो लोग मेरे से मेडिसिन लेते हैं, जो लोग हमसे मेडिसिन लेते हैं, उन सभी को पता है कि भाई हम मेडिसिन में कभी भी स्टेरॉइड्स यूज नहीं करते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन यूज नहीं करते हैं कि जिससे आपके चेहरे पे या फिर आपके बालों में कोई भी किसी तरह का भी साइड इफेक्ट हो या कोई भी किसी तरह का आपको बाद में एडवर्स इफेक्ट उसका फील हो। अब ये वीडियो बनाने का एक पर्पज मेरा ये भी है कि मैंने क्या देखा है, मुझे हर बार समझाना पड़ता है लोगों को कि भाई ये जो बार बार ट्रेंड चल रहा है ना कि यार ये मुझे 4 दिन में गोरा होना है, 4 दिन में मुझे जो है अच्छे रिजल्ट चाहिए, 4 दिन में मेरे बाल जो है सही हो जाएं, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की क्रीम्स, इस तरह की मेडिसिन, ये सारी की सारी चीजें आपकी स्किन को बर्बाद कर देती हैं। मैं पहले भी सैकड़ों वीडियो बना चुका हूँ, शॉर्ट वीडियोज बना चुका हूँ, बड़ी वीडियो बना चुका हूँ, वो कौन कौन सी क्रीम है, वो कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपको नुकसान देती हैं। अगर नहीं देखी अब भी, कुछ वीडियोस के लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और एक वीडियो स्टेरॉइड के ऊपर बनाई थी उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूं, तो वहां पे जाके पहले उस पूरी वीडियो को देखना, तब आपको समझ में आएगी कि ये इतने ज्यादा जो आप स्टेरॉइड फेस पे यूज कर लेते हैं ये बहुत ज्यादा बेकार है। और जिस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिस तरह से मेरा जो ट्रीटमेंट होता है क्लिनिक पे, सिर्फ एक चीज मेरे दिमाग में होती है कि कोई भी ऐसी मेडिसिन आपके लिए ना हो कि जो आपकी स्किन को डैमेज करे। मैं कहता हूं आपको रिजल्ट मिला, आपको सिर्फ 10% रिजल्ट मिला, उससे मैं खुश हूं, लेकिन आपकी स्किन पे कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर रिजल्ट 10% आता है, आप सोच रहे हैं कि 100% आएगा, मैं कहता हूं 10% में भी मैं खुश हूं, बट नुकसान स्किन पे नहीं होना चाहिए। और गलती आप लोगों की भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये पूरा सिस्टम ही एक उस तरह से बन गया है कि हर किसी को डॉक्टर के ऊपर भी एक बहुत ज्यादा बर्डन, एक बहुत ज्यादा भार होता है अपने पेशेंट का कि भाई पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट नहीं मिला इसका मतलब ये डॉक्टर अच्छा नहीं है। और उसी चक्कर में ही डॉक्टर्स जो है बहुत सारी ऐसे क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं, लिखते हैं, और मैं हर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इस चीज को आप एक नेगेटिव वे में डॉक्टर्स कृपया ना लें, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि, और ये आपको भी पता है कि जब एक, और गलती डॉक्टर्स की भी नहीं है, पेशेंट खुद इतना ज्यादा वो क्रिएट कर देता है कि भी मुझे तो जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी चाहिए कि डॉक्टर घर में साथ दिए, अभी के लिए ठीक कर दो, चाहे 10 दिन के बाद दोबारा आप कुछ हल्की मेडिसिन दे देना, लेकिन अभी तो मुझे ऐसी मेडिसिन चाहिए कि मेरा तुरंत ही ठीक हो जाए।
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को यह समझना है कि ये आपकी मजबूर कर देते हो एक डॉक्टर को ऐसी मेडिसिन लिखने के लिए कि जो अभी तो आपके फेस को ठीक कर देंगी लेकिन बाद में वो जो है बहुत स्किन जो है डैमेज हो जाती है। और मजे के बाद क्या है, पेशेंट ऑलरेडी ये सारी की सारी चीज यूज करके आए हुए होते हैं, सारी की सारी ऐसी मेडिसिन यूज करके देख लिए हैं, उनको पता है कि उनसे एक बार स्किन डैमेज हो चुकी है और वो फिर यही चाहते हैं कि हम उनको ऐसी मेडिसिन दें। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको ये समझना पड़ेगा जिस पिगमेंटेशन को 6 महीने हुए हैं, जिस पिगमेंटेशन को 10 साल से पिगमेंटेशन है, वो महीने 2 महीने में नहीं जाएगी, वो तब तक नहीं जाएगी तब तक वो प्रॉब्लम अंदर से खत्म ना हो। बाल झड़ रहे हैं, गंजापन आ गया, भाई ये कोई मैजिक नहीं है कि आपने एकदम आपके बाल जो उग जाएंगे कि वो कहीं बस रखे हैं स्किन के ऊपर हमने मेडिसिन दी और वो निकलने स्टार्ट हो गए, नहीं। चाहे वो पिगमेंटेशन है, चाहे ग्लोइंग स्किन है, चाहे वो आपकी हेयर फॉलिंग है, हेयर रीग्रोथ है, ये सारे के सारे टाइम टेकिंग प्रोसीजर हैं, इन सभी में टाइम लगता है। ये कोई मैजिकल चीज नहीं है कि भैया डॉक्टर कसाना के पास कोई एक मैजिक रखा है, तुरंत अपना छड़ी घुमाई और बाल उग गए, या फिर तुरंत छड़ी घुमाई और एकदम पिगमेंट हट गया, ऐसे नहीं होता है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो हमारी कार्बन टोनिंग की वीडियोस हैं, उनको देख के लगता है कि भाई ये तो कार्बन एकदम हट रहा है, इसलिए मैं उसमें वॉइस ओवर भी देता हूँ, बड़ी वीडियोस भी बनाता हूँ, है ना, मैंने बहुत सारी ऐसी मिथ बस्टर्स वीडियो भी बनाई हुई हैं कि आप इन जो कार्बन वाली वीडियोज हैं इनको देख के ये ना सोचें कि ये चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है ना, वो पहले कार्बन अप्लाई किया जाता है। तो मैं तो उल्टा अवेयरनेस देने का काम करता हूँ कि भाई चीज़ों को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से आप मेंटेन करके अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। क्विक वाला कोई चीज है ही नहीं, क्विक तो सिर्फ मतलब वो है कि सेमी परमानेंट है कि भाई आप जब तक यूज कर रहे हैं जब तक चीजें ठीक रहेंगी, जैसे यूज करना बंद करेंगे चीजें सारी की सारी एज इट इज हो जाएंगी। अगर चीजों को सही तरह से करना है तो इंटरनली हील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल वही जिस ट्रेंड की बात कर रहा था, लोग जल्दी दिखाने के चक्कर में, जल्दी ट्रीटमेंट देने के चक्कर में आपको मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन के साथ साथ कोई ऐसा एक क्रीम दे देते हैं साथ में लगा के कि भाई वो क्रीम धीरे धीरे करके आपकी स्किन को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। आप भी खुश हो जाएंगे कि वाह क्या बढ़िया ट्रीटमेंट है भाई, मेरा तो 10 दिन में ही चेहरा एकदम चमक गया, मेरे दाग धब्बे 10 साल से थे एकदम तुरंत ही रिड्यूस हो गए, मेरा तो और चेहरा एकदम ग्लो आ गया, लाल हो गया। वो ग्लो नहीं है, वो चेहरा लाल जो है वो ग्लो की वजह से नहीं हुआ, वो सेंसिटिव स्किन हो गई है। जैसे ही इसे बंद करोगे ना यूज करना, वो चेहरा पूरा का पूरा एकदम डार्क हो जाएगा, एकदम डार्क जो है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि नॉर्मली मैं जो है ना मतलब एक इस वीडियो को थोड़ा सा एग्रेसिव में बना भी रहा हूं क्योंकि आपको फील भी हो कि जो चीज कर रहे हो आप ये बहुत गलत है। और मेरे पास आके जब पूछते हैं कि डॉक्टर 10 दिन में हो जाएगा 20 दिन में हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल मना ही कर देता हूं। मैं चाहे कुछ भी हो, ट्रीटमेंट कराना है आप कराओ, नहीं कराना है मत कराओ, बट हम उस तरह की मेडिसिन को फॉलो नहीं करेंगे। ये पर्सनल मेरा अपना रूल है, मैं कभी भी कोई भी इस तरह की मेडिसिन यूज नहीं करूंगा ना एडवाइज करूंगा कि जो आपकी स्किन को डैमेज करे। और ये चीज आपको भी सोचने की जरूरत है क्योंकि बहुत जल्दी के चक्कर में जो आप अपनी स्किन का नाश करा रहे हैं, ये बहुत चीजें जो है नहीं चलनी, लंबी नहीं चलनी। एट लास्ट आपको चाहे अब चाहे 2 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, आपको आना इसी मेथड पे पड़ेगा कि जितना भी रिजल्ट मिले 100% के चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल भी। जितना बॉडी हील करेगी, सेल्फ हील करेगी, अपने आप हील करेगी, बॉडी को टाइम दो, हेल्थी खाना खाओ, अपना जूस वगैरह लो, अच्छे से डाइट लो और योगा करो, मेडिटेशन करो और साथ के साथ मेडिसिंस जो सप्लीमेंट बेस्ड हैं थेरेपीज उनको लो, जब भी धीरे 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 करके आपकी स्किन इंप्रूव होती चली जाएगी। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, मैंने पहले भी बताया है, किसी तरह का कुछ भी डाउट है, कहीं से भी आपकी मेडिसिन चल रही है, आपको नहीं लेनी मेडिसिन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक बार सही सजेशन, सही गाइडेंस के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल मुझसे कंसल्टेशन करनी है तो वो पेड कंसल्टेशन होती है, वो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप जाके कॉल करके वहां पे आप जो है मेरे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। नहीं तो हमारे और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे आप डायरेक्ट फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.thedoctorscard.com, वहां पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशन के लिए, आपके पास कॉल बैक आ जाएगी। या फिर आपको किसी तरह की कोई भी मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट है, सही मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, तो
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये पूरी दुनिया पड़ी है, कहीं भी आप चले जाओ। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना आपके साथ इसी तरह जुड़ा रहूंगा, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद।